हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज इंजीनियरिंग फॉर यू। आज का जो हमारा टॉपिक होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, क्या मीनिंग है इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, कहाँ पे आरओसी लाई करती है, क्लियर, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। क्लियर, तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आरओसी इज द रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, इन दिस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इज एस, it is the range of complex variable s in s plane for which Laplace transform of any function is finite or convergent। clear है भाई? तो आपने जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा था, जो फर्स्ट लेक्चर में, दैट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, उसमें आपने देखा था हम सिग्मा की वैल्यू रेंज डिफाइन कर रहे थे। सिग्मा इज ग्रेटर देन ए, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ई की पावर ए टी यू ऑफ टी है, तो इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आया था एस माइनस ए, वेयर रियल पार्ट ऑफ एस इज ग्रेटर देन ए। क्लियर पॉइंट? तो दैट इज द रेंज ऑफ एस, जो आपका सिग्मा होगा दैट इज फ्रॉम ग्रेटर देन ए मींस ए टू इनफिनाइट, दिस इज द रेंज। एट दिस रेंज, इन दिस रेंज आपका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगी वो उसकी वैल्यू फाइनाइट आएगी। क्लियर है भाई? तो एस की, एस को मैं वेरी कर सकता हूं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो एस की मैं कुछ रेंज इसमें से सिलेक्ट करूंगा, वो वाली रेंज जिस रेंज के लिए मेरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिफाइंड होगा, मींस लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी। क्लियर? दिस टाइप ऑफ रेंज इज नोन एज आरओसी, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है भाई, उसको देखिए ध्यान से, प्रॉपर्टीज ऑफ आरओसी। तो भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट इज आरओसी, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस डज नॉट include any pole, जो आपकी ROC होगी वो कोई भी पोल को इंक्लूड नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? मान लीजिए मेरे पास जो f of s है, suppose f of s is equal to 1s plus 2, clear है भाई? अगर इसने अपने पोल को इंक्लूड कर लिया, अगर इसका पोल कहाँ पे लाई कर रहा है भाई, डिनोमिनेटर का जो रूट होता है दैट इज नोन एज पोल, अगर मैं यहाँ पे माइनस टू रख दूं एस की जगह पे, तो मेरा जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो इनफिनाइट बन जाएगी। क्लियर? इसीलिए आपकी जो आरओसी होगी वो पोल को इंक्लूड नहीं करेगी। समझ पा रहे हो पॉइंट? दूसरा, फॉर राइट साइडेड सिग्नल आरओसी मस्ट बी राइट टू द राइट मोस्ट पोल। मीनिंग समझते हैं भाई इसका। राइट साइडेड सिग्नल का मतलब ये हुआ, वो वाला सिग्नल जो सिर्फ इस रेंज के लिए डिफाइंड हो, दैट इज द राइट साइडेड सिग्नल। इस टाइप के सिग्नल को बोलते हैं भाई लेफ्ट साइडेड सिग्नल। इस टाइप के सिग्नल को बोलते हैं भाई बोथ साइडेड, दैट इज द बोथ साइडेड सिग्नल। क्लियर भी? दैट इज द लेफ्ट साइडेड सिग्नल, दैट इज द राइट साइडेड सिग्नल। अगर कोई भी सिग्नल मेरा राइट साइडेड है, राइट साइडेड मींस आपका यूटी लगा होगा उसके साथ, मान लीजिए ई की पावर माइनस थ्री टी यू ऑफ टी, एक फंक्शन जे है मान लीजिए इसके अंदर ही है, प्लस ई की पावर थ्री टी यू ऑफ टी माइनस ई की पावर माइनस फाइव टी यू ऑफ टी। क्लियर है भाई? अगर मैं इसकी बात करूं, आरओसी इसकी बात करूं, तो इसकी जो आरओसी होगी, मैंने शॉर्टकट बताया था, जब यूटी हो तो ग्रेटर देन किस से, माइनस थ्री से। समझ पा रहे हो पॉइंट? इस पॉइंट के लिए जो आपकी आरओसी होगी दैट इज ग्रेटर देन, बिकॉज यूटी है किस से भाई, थ्री से। तो इसके लिए जो आरओसी होगी, यूटी है तो ग्रेटर देन किस से, माइनस फाइव से। क्लियर पॉइंट? अगर मैं इसका इनवर्स, सॉरी इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूं, ई की पावर माइनस थ्री टी यूटी, ये बनेगा वन ओवर एस प्लस थ्री। अगर मैं इसके पोल की बात करूं, माइनस थ्री पे लाई करेगा। क्लियर? इसका मतलब जो ये वाला फैक्टर होता है टी के साथ वाला, दैट इज नथिंग बट पोल। इसका मतलब मेरे जो पोल है इस क्वेश्चन के लिए, वो कहां पे लाई कर रहे हैं भाई,
एक तो -3 पे लाइक कर रहे, एक -5 पे, मींस यहाँ पे मेरा -5 है, यहाँ पे मेरा -3 है, और एक +3 पे लाइक कर रही है। क्लियर है भाई? तो आप देख सकते हो भाई सभी के साथ यू ऑफ टी लगा हुआ है, मींस राइट साइडेड सिग्नल है आपका। क्लियर? बिकॉज दैट इज डिफाइंड ई की पावर -3 यू ऑफ टी। क्लियर? ये भी जो आपकी रेंज होगी इस रेंज के लिए डिफाइंड होगा। सिमिलरली सभी इस राइट साइडेड सिग्नल साइड पे डिफाइंड होंगे। क्लियर? कहने का मतलब ये हुआ जिसके साथ यू ऑफ टी लगे होगा वो मेरा राइट साइडेड सिग्नल होगा, जिसके साथ यू ऑफ -t लगा होगा दैट इज लेफ्ट साइडेड सिग्नल। क्लियर है भाई? तो ROC भाई इसकी बोल रहा है -3 से ग्रेटर, मैं यहां से चल रहा हूं, ये बोल रहा है -5 से ग्रेटर, मैं -5 पे चला, इससे ग्रेटर, ये सारी जब मैं ये सारी रेंज सेलेक्ट करूंगा तो इसके अंदर भाई ये पोल आ जाएंगे दो, एक -3 और 3। अभी अभी हमने बोला ROC डज नॉट इंक्लूड एनी पोल, अगर वो किसी भी पोल को इंक्लूड करेगा तो उस फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी इनफिनाइट, मीन इसका जो लाप्लास था अगर मैं पोल को इंक्लूड कर लूंगा उसकी वैल्यू हो जाएगी इनफिनाइट। तो ये मेरी जो कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस लाप्लास ट्रांसफॉर्म उसको वायोलेट करेगी। क्लियर? तो उस चीज को सेटिस्फाई कराने के लिए मेरी जो ROC होगी किसी भी पोल को इंक्लूड नहीं करेगी। क्लियर? मान लीजिए अगर मैं जे वाला पॉइंट कंसीडर करूं, ROC इज ग्रेटर देन -3, अगर जे इससे ग्रेटर देन वाली साइड देखूं सारी रेंज, उसमें जो आपका 3 वाला पोल होगा वो इंक्लूड कर जाएगा, अगर वो चीज इंक्लूड होगी तो मेरी लाप्लास की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? इनफिनाइट। सो दैट इज ऑल्सो वायोलेट द कंडीशन। तो इट मीन जो आपकी ROC होगी वो आपकी यहां से लाई करेगी। क्लियर पॉइंट? तो इस पॉइंट का मीनिंग समझिए, फॉर राइट साइडेड सिग्नल ROC मस्ट बी राइट टू द राइट मोस्ट पोल, मींस जो आपका पोल राइट साइड होगा बिल्कुल राइट साइड पे होगा, राइट टू द राइट मोस्ट पोल, तो उसके राइट साइड से आपकी ROC डिफाइंड होगी। क्लियर पॉइंट? तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। तो इनमें से जो सबसे राइट में होगा उस वही आपकी ROC होगी, सबसे राइट में कौन सा है? जे। तो इस पूरे फंक्शन की जो ROC होगी, ROC मस्ट बी ग्रेटर देन 13 पॉइंट। तो ओके, पॉइंट नंबर 3 फॉर लेफ्ट साइडेड सिग्नल ROC must be left to leftmost pole. Clear अभी? For example, मान लीजिए मेरे पास एक example है -3t u of -t, वो यहाँ पे minus लगा हुआ है, -e की पावर -5t u of -t, e की पावर 3t u of -t। क्लियर है भाई? इसके अकॉर्डिंग जो ROC होगी भाई, ROC यू ऑफ टी लगा है दैट इज लेस देन किससे भाई? -3 से। इसके अकॉर्डिंग ROC इज लेस देन फॉर -5, ROC इज लेस देन फ्रॉम 3, बिकॉज यू ऑफ -t है तो लेस देन, मैंने आपको शॉर्ट में बताया था। तो अगर मैं इसके पोल की बात करूं, एक पोल मेरा 3 पे लाई कर रहे हैं, ये मेरा 3 पे लाई कर रहा है, एक -5 पे, एक -3 पे, मींस ये मेरा -3 पे लाई करेगा, ये मेरा -5 से लाई करेगा। क्लियर है भाई? अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं, ROC इज लेस देन 3, 3 से इस साइड, तो जब 3 से इस साइड होगा जे भी पोल इंक्लूड होगा और जे भी पोल मेरा इंक्लूड होगा, इट मींस दैट इज वायोलेट द कंडीशन, बिकॉज एट दैट पॉइंट आपका जो लाप्लास की वैल्यू होगी वो इनफिनाइट हो जाएगी। अगर मैं -3 से लेस करूंगा तो भी मेरे पास -5 वाला पोल इंक्लूड कर जाएगा, इट मींस जो आपकी ROC होगी दैट इज लेफ्ट टू द लेफ्ट मोस्ट पोल, जो आपके सबसे लेफ्ट में होगा उसके लेफ्ट साइड में आपकी ROC डिफाइंड होगी। क्लियर? तो ROC इस क्वेश्चन के लिए जो ROC होगी आपकी वो लेस देन -5 होगी। क्लियर पॉइंट? तो ROC आपने कैसे सेलेक्ट करनी है भाई, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है भाई? तो नेक्स्ट देखते हैं भाई, पॉइंट नंबर 4, फॉर बोथ साइडेड सिग्नल, फॉर बोथ साइडेड सिग्नल ROC मस्ट बी अ स्ट्रिप्ट। जब मेरा सिग्नल बोथ साइडेड होगा तो आपकी जो ROC होगी वो एक स्ट्रिप्ट की तरह बनेगी। फॉर एग्जांपल,
मान लीजिए e की पावर माइनस थ्री टी यू ऑफ टी माइनस e की पावर फाइव टी यू ऑफ माइनस टी। ये यू टी है मीन्स आपका राइट साइड सिग्नल है, u ऑफ माइनस टी है दैट इज द लेफ्ट साइडेड सिग्नल। इट मीन्स ये मेरा पूरा कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा भाई, बोथ साइडेड सिग्नल। यहाँ पे देखिए इसकी जो आर ओ सी होगी, आर ओ सी u ऑफ टी है मीन्स ग्रेटर देन किस से, माइनस थ्री से। सिमिलरली इसकी आर ओ सी, इसकी आर ओ सी जो होगी भाई u ऑफ माइनस टी है मीन्स लेस देन किस से, फाइव से। समझ पा रहे हो पॉइंट? अगर मैं दोनों पोल्स को यहाँ पे प्लॉट करूं, एक है मेरा माइनस थ्री पे, ये है मेरा माइनस थ्री पे, एक है मेरा फाइव पे, एक है मेरा फाइव पे। समझ पा रहे हो पॉइंट? अब देखिए जी मेरे पास बोथ साइडेड सिग्नल था, बोथ साइडेड सिग्नल था तो मैं देख सकता हूं आर ओ सी इज ग्रेटर देन माइनस थ्री, तो आर ओ सी इससे ग्रेटर देन होगी, तो ग्रेटर वाला पोर्शन ड्रॉ किया। देन आर ओ सी इज लेस देन फाइव मीन ये मेरा फाइव है, इससे लेस देन होगी। पॉइंट इट मीन आर ओ सी इज लाइज बिटवीन, आर ओ सी इज लाइज बिटवीन माइनस थ्री और फाइव। समझ पा रहे हो पॉइंट? तो ये था भाई मेरा एक स्ट्रिप्ट बनेगी, क्लियर? फॉर बोथ साइडेड सिग्नल आर ओ सी इज नथिंग बट स्ट्रिप्ट ऑफ द सिग्नल। क्लियर पॉइंट? तो अब एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो आर ओ सी होगा वो दैट इज ग्रेटर देन माइनस थ्री, इसके अकॉर्डिंग जो आर ओ सी होगा दैट इज लेस देन फाइव। ग्रेटर देन माइनस थ्री का मतलब ये है इसकी जो आर ओ सी होगी माइनस थ्री से लेके इन्फिनिटी होगी, इसकी आर ओ सी माइनस इन्फिनिटी से लेके फाइव तक वेरी करेगी। क्लियर पॉइंट? तो इसकी माइनस थ्री से इन्फिनिटी, इसकी माइनस इन्फिनिटी से फाइव, लेकिन जो बोथ साइडेड सिग्नल होगा दोनों को मैं कंबाइन करूंगा। अगर इंडिविजुअल सिग्नल होता उसकी जे होती, इसकी ये होती, क्लियर? लेकिन दोनों सिग्नल को जब मैं कंबाइन करूंगा तो इनकी जो इंटरसेक्शन होगी वो आएगा। मान लीजिए इसकी आर ओ सी वन है, इसकी आर ओ सी टू है। इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है कॉमन पोर्शन। ये देखिए फाइव से लेस देन ये सारा पोर्शन, थ्री माइनस थ्री से ग्रेटर देन ये सारा पोर्शन, लेकिन उन दोनों का कॉमन पोर्शन कौन सा होगा भाई, दिस वन। क्लियर है भाई? सो आर ओ सी ऑफ बोथ साइडेड सिग्नल इज इंटरसेक्शन ऑफ इंडिविजुअल सिग्नल। क्लियर है भाई? तो मैं ये चीज बोल सकता हूं नोट करके भाई, आर ओ सी ऑफ बोथ साइडेड सिग्नल, बोथ साइडेड सिग्नल इज इक्वल टू इंटरसेक्शन आर ओ सी, इंटरसेक्शन आर ओ सी टू। क्लियर है भाई? सो दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है भाई? तो फॉर बोथ साइडेड सिग्नल आपकी जो आर ओ सी होगी दैट इज अ स्ट्रिप्ट। क्लियर है पॉइंट? तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए भाई, फॉर सिस्टम टू बी स्टेबल, फॉर सिस्टम टू बी स्टेबल आर ओ सी मस्ट इंक्लूड इमेजिनरी एक्सेस, इमेजिनरी एक्सेस मीन जी ओमेगा एक्सेस। क्लियर है भाई? कोई भी सिस्टम आपका स्टेबल होगा अगर उस सिस्टम की आर ओ सी इमेजिनरी एक्सेस को लेके चलेगी, इंक्लूड करेगी। क्लियर? फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल से समझता हूं भाई, e की पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी, अगर इसका मैं ग्राफ देखूं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है e की पावर माइनस ए टी, तो दिस इज स्टेबल सिस्टम। तो ये मेरा स्टेबल सिस्टम है, स्टेबल सिस्टम की देखता हूं आर ओ सी इसकी कहां पे लाई कर रही है। अगर मैं ए की जगह पे थ्री ले लू, क्लियर, तो इसकी जो आर ओ सी होगी, आर ओ सी यू टी लगा हुआ है, यू टी लगा हुआ है तो दैट इज ग्रेटर देन माइनस थ्री। समझ पा रहे हो पॉइंट? तो इसका मतलब इसकी आर ओ सी माइनस थ्री से ग्रेटर देन होगी, इसका पोल माइनस थ्री पे लाई कर रहा है, तो ये सारी की सारी आर ओ सी होगी। तो आप देख सकते हो आर ओ सी क्या भाई, इमेजिनरी एक्सेस को इंक्लूड कर रही है, तो आपका सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर ई की पावर थ्री टी यू ऑफ माइनस टी है, ठीक है, दैट इज द लेफ्ट साइडेड सिग्नल। इसका देखिए भाई u of minus t क्या भाई आपका, इसका मतलब है आर ओ सी इज लेस देन किस से, लेस देन थ्री से। इसका मतलब थ्री मेरा पोल यहाँ पे लग रहा बना होगा, तो इसका मतलब इससे लेस देन,
तो जे वाला सिस्टम भी मेरा क्या होगा भाई, स्टेबल होगा। सो दिस सिस्टम इज ऑल्सो स्टेबल। लेकिन अगर मैं इसका लाप्लस ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करूं इस फंक्शन का, तो इस फंक्शन का जो लाप्लस ट्रांसफॉर्म होगा दैट इज एस माइनस थ्री, ये चीज बन जाएगी। क्लियर है भाई, ऑलरेडी हम जे वाले फॉर्मूले देख चुके हैं। अगर मैं इसका लाप्लस ट्रांसफॉर्म ले लूं तो ये बनेगा एस प्लस थ्री। तो आप देख सकते हो इसका पोल भाई लेफ्ट हैंड साइड पे लाई कर रहा था, इसका पोल आपका राइट साइड पे लाई कर रहा है। लेकिन हम कंट्रोल सिस्टम में पढ़ते हैं जो भी आपका पोल लेफ्ट हैंड साइड पे लाई करेगा वो सिस्टम आपका स्टेबल होता है। लेकिन जब जहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे था तो भी सिस्टम आपका स्टेबल है, यहाँ पे आपका पोल राइट हैंड साइड पे लाई कर रहा है, ये मेरी जे एक्सिस है, तो जे एक्सिस की यहाँ पे राइट हैंड साइड पे राइट साइड ऑफ एस प्लेन लाई कर रहा है, तो फिर भी मेरा सिस्टम क्या है भाई, स्टेबल। क्लियर है भाई। लेकिन इसमें डिफरेंस है भाई, जहां भी हम कंट्रोल सिस्टम की स्टडी करते हैं उसमें आपके जितने भी सिस्टम होते हैं वो एलटीआई सिस्टम होते हैं, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम एंड कॉजल सिस्टम। क्लियर है भाई, कंट्रोल सिस्टम के जितने भी सिस्टम होते हैं वो एलटीआई, लीनियर टाइम इनवेरिएंट एंड कॉजल सिस्टम। कॉजल सिस्टम मींस वो वाला सिस्टम जो प्रेजेंट वैल्यू एंड पास्ट वैल्यू पे डिपेंड करे, नॉट डिपेंड अपॉन फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि प्रैक्टिकली कोई भी वैल्यू फ्यूचर पे डिपेंड नहीं कर सकती, समझ रहे हो पॉइंट, प्रेजेंट और पास्ट पे ही डिपेंड करे, इट मींस प्रैक्टिकली ऑल द सिस्टम आर एलटीआई एंड कॉजल सिस्टम। क्लियर है भाई। तो हम एलटीआई सिस्टम उसमें लेके चल रहे हैं बिकॉज उसका ट्रांसफर फंक्शन डिफाइंड है, सो ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइंड ओनली फॉर एलटीआई सिस्टम और सभी के सभी सिस्टम कॉजल है। क्लियर। तो आप देख सकते हो कि जब भी इस पे स्केलिंग आएगी तो सिस्टम मेरा नॉन कॉजल हो जाएगा, सिस्टम इज नॉन कॉजल, तो हियर सिस्टम इज कॉजल। तो कंट्रोल सिस्टम में सभी के सभी सिस्टम कौन से होते हैं भाई, कॉजल सिस्टम। तो कॉजल सिस्टम की स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं, causal system to be stable if all the poles lies left side of the S plane। तो causal system की stability depend करती है भाई, उसके सभी के सभी pole कहाँ पे lie होने चाहिए, left hand side पे lie होने चाहिए। clear है भाई। लेकिन ये मेरा system था non causal। clear। आगे मैं अलग से causal और non causal की कैसे stability check करते हैं उसके ऊपर आपको lecture provide करूँगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये चीज आपने देख लेनी है। clear। तो इसका मतलब ये डेफिनेशन ऑलवेज रॉन्ग होगी अगर बोलोगे किसी भी सिस्टम की अगर पोल लेफ्ट हैंड साइड पे लाई कर रहे हैं तो आपका सिस्टम स्टेबल होगा, ये रॉन्ग होगी। क्लियर। तो दिस कंडीशन इज वैलिड ओनली फॉर कॉजल सिस्टम। अगर सिस्टम आपका कॉजल है उसके अगर पोल लेफ्ट हैंड साइड पे लाई कर रहे हैं इट मीन सिस्टम इज स्टेबल। सिमिलरली यहाँ पे नॉन कॉजल सिस्टम टू बी स्टेबल इफ ऑल द पोल्स लाइज राइट साइड ऑफ द एस प्लेन। अगर नॉन कॉजल सिस्टम के राइट हैंड साइड पे सभी के सभी आपके पोल लाई कर रहे हैं इट मींस सिस्टम इज स्टेबल। अगर इसका कोई पोल इसके अंदर लाई कर गया मींस इसका पोल आपका लेफ्ट हैंड साइड पे लाई कर गया तो सिस्टम मेरा हो जाएगा भाई अनस्टेबल। क्लियर। देखते हैं एक दो एग्जांपल से और। मान लीजिए मेरे पास है e की पावर 3t u of t। क्लियर है भाई। तो ये मेरा सिस्टम कॉजल सिस्टम है, सभी कॉजल सिस्टम के ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई कर लो। अगर किसी को कॉजल और नॉन कॉजल चेक करना नहीं आ रहा तो मेरे प्रीवियस ईयर लेक्चर में जाना, तो प्रीवियस जितने भी लेक्चर होंगे तो उसमें आपको कॉजल एंड नॉन कॉजल वाला लेक्चर सेलेक्ट करना है, उसके सभी ऑपरेशन कैसे आपने कॉजलिटी चेक करना है वो चीज बताई गई होगी। क्लियर। तो ये मेरा सिस्टम कॉजल है, ये सिस्टम कॉजल है। अगर मैं इसका लाप्लस ट्रांसफॉर्म करूं तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाय एस माइनस 3। क्लियर पॉइंट। तो अगर मैं देखूं इसका पोल भाई राइट हैंड साइड पे लाई कर रहा है इट मींस मेरा सिस्टम क्या हो जाएगा अनस्टेबल। लेकिन मैं आरओसी से भी चेक करना चाह रहा हूं क्या मेरा सिस्टम वाकई में अनस्टेबल आ रहा है। क्लियर। तो देखिए तो इसकी आरओसी क्या होगी भाई, आरओसी इज ग्रेटर देन यूर टी इज ग्रेटर देन किससे भाई, 3 से। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे 3 आया इससे ग्रेटर देन। क्लियर। तो आप देख सकते हो आपकी जो जीओ ओमेगा जो एक्सेस है उसको इंक्लूड नहीं कर रही आरओसी, अगर नहीं कर रही तो सिस्टम मेरा क्या हो जाएगा अनस्टेबल। क्लियर पॉइंट। तो सिस्टम मेरा हो जाएगा अनस्टेबल, समझ रहे पॉइंट। अगर ई की पावर माइनस 3t यू ऑफ माइनस टी है, इसका पोल कहां पे लाई कर रहा है अभी अभी
देखा था, अगर मैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करूं, सॉरी लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो 1 ओवर s प्लस 3 आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, मींस आपका सिस्टम का जो पोल होगा माइनस 3 पे लाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे स्केलिंग आ रही है, स्केलिंग आ रही है तो सिस्टम मेरा क्या हो जाएगा भाई, नॉन कोजल। क्लियर है भाई? अगर मैं इसकी आरओसी निकालूं, आरओसी आरओसी यू ऑफ माइनस टी है तो लेस देन किससे, माइनस 3 से, इसका मतलब जो आपकी आरओसी होगी वो माइनस 3 से लेस देन होगी। क्या ये जी ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड कर रहा है भाई? नहीं कर रहा, इट मींस सिस्टम इज अनस्टेबल। तो इसका मतलब ये हुआ, फॉर कॉजल सिस्टम टू बी स्टेबल, मैं यहीं पे डिफाइन कर देता हूं भाई, तो आपके सभी के सभी पोल लेफ्ट हैंड साइड पे होने चाहिए। फॉर नॉन कॉजल सिस्टम टू बी स्टेबल ऑल द पोल मस्ट लाई ऑन राइट साइड ऑफ एस प्लेन, अगर एक भी पोल आपका लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन आ गया, इट मींस सिस्टम इज अनस्टेबल बिकॉज दिस इज नॉन कॉजल सिस्टम। समझ पा रहे हैं पॉइंट? तो लिख लीजिए इसको नोट करके, फॉर कॉजल सिस्टम ऑल द पोल्स, फॉर कॉजल सिस्टम टू बी स्टेबल ऑल द पोल्स ऑफ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एस मस्ट लाई ऑन लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन, सिमिलरली फॉर नॉन कॉजल सिस्टम टू बी स्टेबल ऑल द पोल्स मस्ट लाई ऑन राइट हाफ ऑफ एस प्लेन। 13 पॉइंट। तो आगे देखते हैं भाई, कॉजिलिटी के लिए आरओसी कहां पे लाई करेगी, ठीक है? तो कॉजिलिटी के लिए भी देख लीजिए आरओसी कहां पे लाई करेगी। सो नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 7, फॉर कॉजल सिस्टम आरओसी मस्ट बी राइट टू राइट मोस्ट पोल, that is the right sided, clear abhi? कोई भी system causal तब होगा अगर उसकी ROC greater than right to the right most pole है। For example, हमें पता है e की power minus 3 t u of t, कोई भी scaling नहीं है, it means system is causal। अगर मैं इसकी ROC की बात करूं, ROC is greater than minus 3, clear a point? तो इसका मतलब ये हुआ जी, आपके पास राइट साइडेड होगा, माइनस 3 है तो आर ए सी आपकी ग्रेटर देन माइनस 3 होगी। क्लियर है भाई? तो जे वाला सिस्टम ई की पावर माइनस 3 यू टी, यहाँ से देखिए फिगर से आर ओ सी आपकी राइट टू द राइट मोस्ट पोल है, मीन सिस्टम कॉजल है, और इमेजिनरी एक्सेस को भी इंक्लूड कर रहा है, इट मीन सिस्टम इज कॉजल एंड स्टेबल। क्लियर है पॉइंट? अगर फॉर एग्जाम्पल मैं और लू ई की पावर माइनस 2 टी यू ऑफ टी प्लस ई की पावर माइनस 3 टी U of t, इसके अकॉर्डिंग जो आपकी ROC आएगी, that is greater than minus 2, इसके अकॉर्डिंग ROC is greater than minus 3, clear a point? इसका मतलब एक minus 2 होगा, एक minus 3 होगा, इसका मतलब ये हुआ, that is minus 3 minus 2, तो ROC आपकी greater than minus 2 होगी for system to be causal, clear a point? तो ये वाले point आपने ROC के माइंड में रखने, क्लियर है भाई? आई होप आपको ये लेक्चर बढ़िया लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा और हर एक कंसेप्ट आपका बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ होगा। क्लियर? अगर आपको ये लेक्चर बढ़िया लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।